मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार की योजनाएं स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ साथ अच्छी कमाई का जरिया बन रही हैं। सरकार की मदद व अपनी मेहनत से किसान इन योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं तथा अपने परिवार का बेहतर ढंग से भरण पोषण कर रहे हैं। जिला ऊना के बंगाणा उपमंडल के तहत पडियोला निवासी नरेश कुमार प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री मधु विकास योजना का लाभ लेकर आज लाखों रुपए कमाई कर रहे हैं। वर्ष 2019 में नरेश कुमार ने मुख्यमंत्री मधु विकास योजना का लाभ उठाकर मधुमक्खी पालन का कार्य आरंभ किया था। शुरुआत में वह 50 बॉक्स के साथ मधुमक्खी पालन से जुड़े तथा आज उनके पास 180 बॉक्स हैं। नरेश कुमार कहते हैं मधुमक्खी पालन का कार्य करने के लिए उन्हें प्रदेश सरकार से 1,80,000 रुपए उपदान के रूप में भी मिले तथा उन्होंने सिर्फ 50,000 रुपए का निवेश करना पड़ा। सरकारी योजना का लाभ उठाकर पिछले 6 माह में ही उन्होंने 3.5 टन शहद का उत्पादन किया है। शहद को बेचने के लिए भी उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है क्योंकि डेरा बसी की एक कंपनी के साथ उन्होंने अनुबंध किया है जो 120-130 रुपए प्रति किलोग्राम के भाव पर उनसे शहद की खरीद करती हैं। अपने काम के नतीजों से उत्साहित नरेश कुमार दूसरे बेरोजगार युवाओं को भी मुख्यमंत्री मधु विकास योजना का लाभ लेकर इस व्यवसाय से जुड़ने की सलाह देते हैं। मधुमक्खी पालन से अधिक कमाई के लिए वर्ष भर वह उत्तर भारत के विभिन्न राज्यों का रुख करते हैं। नवंबर के माह में राजस्थान, फरवरी में पंजाब, मार्च में हिमाचल प्रदेश तथा अगस्त के महीने में हरियाणा जाते हैं। मधुमक्खी पालन कार्य में शहद की अधिक उपज लेने के लिए दूसरे राज्यों में मधुमक्खियों के बक्से ले जाने हेतु बागवानी विभाग की ओर से प्रति मधुमक्खी पालक को 10,000 रुपये ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के रूप में भी अनुदान दिया जाता है। राज्य में मधु उत्पादन और मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहित करने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में मुख्यमंत्री मधु विकास योजना शुरू की थी। योजना के तहत अधिकतम 50 मौन वंश रखने के लिए 80% अनुदान या अधिकतम 1,60,000 रुपए का अनुदान बागवानी विभाग की ओर से प्रदान किया जाता है। स्वरोजगार के इच्छुक बागवानों के लिए प्रशिक्षण अनिवार्य है। किसानों को शहद निकालने वाली मशीन, खाद्य ग्रेड कंटेनर तथा मधुमक्खी पालन से संबंधित अन्य उपकरणों की खरीद पर भी 80% सब्सिडी प्रदान की जाती है। मेरा नाम नरेश कुमार है, काम मेरा पडियोला है, बंगाणा जिला अपना ऊना, और मैंने ये अपना मधु मुख्यमंत्री मधु विकास योजना के तहत ये काम अपना शुरू किया। मेरे को सब्सिडी मिली है 1,80,000 रुपया पिछले 2019 में, और मैंने किया था 50 बॉक्स से काम शुरू, अभी मेरे पास हो गया 180 इस ईयर, और हमें अच्छा प्रॉफिट हो रहा है इसमें। मतलब जॉब नहीं कर रहे हम, लेकिन ये हमारा बिजनेस ही बन गया। अब हम राजस्थान भी जा रहे हैं और हरियाणा भी गए थे, तो हमने काफी मतलब शायद से अपनी इनकम प्रोसेस की है। तो मैं धन्यवाद करूंगा मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने हमारे ये हिमाचल सरकार से ये योजना चलाई है, मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। इससे और भी युवाओं को मिलेगा प्रोत्साहन कि वो अगर अपना व्यवसाय बनाना चाहे तो इसमें हेल्प है। हमारे जैसे बंगाणा के ब्लॉक के हैं जो हमारे सर, वो हमारी काफी हेल्प की इस काम में। उन्होंने हमें माइग्रेशन का भी दिया, उन्होंने किराया देते हैं जी। हमारे हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर हैं, डॉक्टर बरिंदर जी और डॉक्टर पवन जी, उन्होंने मेरी काफी हेल्प की इस काम में, और उन्होंने मुझे प्रोत्साहन किया कि ये काम शुरू करो। और भी मैं जोड़ रहा हूँ अपने साथ बंदों को भी, और भी भाई मेरे हमारे गांव से काम करना चाहते हैं, तो इस साल कोशिश है कि उनको भी साथ जोड़ेंगे और इस काम को और बढ़ाएंगे। तो मैं उनका भी सर का बहुत धन्यवाद करूंगा। हमारा जो ये फार्म है मधुमक्खियों का, इनको हम नवंबर महीने में लेके गए थे राजस्थान टोंक डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां भी हम रखे थे नवंबर से लेके मार्च तक। तो हमने वहां पे निकाला लगभग 2 टन के करीब, 140 बॉक्सेस थे, बाकी 40 हमने वहां पे और बढ़ाए अपने बक्से, तो उससे हमें इनकम हो गई अपना 2 टन शायद। और उसके बाद आए हम रिवाड़ी में, एक मतलब वहां पे निकल गया हमारा कोई 3-4 क्विंटल शायद वहां पे निकला। फिर उसके बाद आए हम इधर अपना ऊना मल्टी पे आ गए जी, तो हमारा पूरा हो गया शायद 2.5-3 के आसपास हो गया, तो ये हमारा शायद हो गया 2.5-3 टन हो गया हमारा। तो इसका मतलब हमने काफी हम बेचते हैं, हमें बेचने की दिक्कत ही नहीं आती है क्योंकि और कंपनियां बहुत है शायद उठाने वाली, पर हमारी एक है चंडीगढ़ में डेरा बसी ग्लोबल पायरी ऑफ इंडिया, वो हमें रेट भी अच्छा देती है, और शायद हमारा इधर फार्म से उठा के ले जाती है, वो राजस्थान से भी लेगी थी, अभी ऊना से ही मल्टी का भी लेगी वो। तो इस बार कोरोना की वजह से रेट भी ठीक है हानी के, तो आगे देखो क्या बनता है फिर जी। और हमारा मार्च तक आगे इसकी एवरेज आगे शायद की हमने कमाया 4.5 लाख रुपया, सरों का अलग से गया था और मल्टी का अलग से रेट गया, तो हमारा पूरा मिलाए तो 4-4.5 लाख रुपया इनकम आ गई हमें।
और हिमाचल सरकार हमें माइग्रेशन करने का साल का 10,000 रुपया अलग से देती है। ये हमें मतलब हर साल मिलेगा, जैसे जहाँ पे आप माइग्रेशन करेंगे तो हम एक फाइल बना के देंगे अपने इधर बंगाना ब्लॉक में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में, और हमें 10,000 का फायदा हो जाता है, हर साल किराया मिल जाता है हमें। बागवानी विभाग जिला ऊना के उप निदेशक डॉक्टर के भारद्वाज ने बताया कि जिला में प्रति वर्ष 35 मीट्रिक टन शहद का उत्पादन होता है और लगभग 35 परिवार इस व्यवसाय से जुड़कर आजीविका कमा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग मौन पालकों की हर प्रकार से सहायता करता है, उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करता है और मधुमक्खी पालन में आने वाली हर समस्या से निपटने में सहायता देता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी किसान को मौन पालन में किसी प्रकार की समस्या पेश आए तो वह बागवानी विभाग के अधिकारियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। विभाग के अधिकारी तत्परता के साथ उनकी सहायता करेंगे। मैं डॉक्टर के भारद्वाज, उपनिदेशक बागवानी जिला ऊना। आज हम बात करेंगे जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा शहद उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छी स्कीम जो शुरू की गई है, लगभग पिछले 2 साल से ये स्कीम चल रही है। तो उसमें पहले जो था, जो भी स्कीम्स ये शहद उत्पादन से संबंधित होती थी उसमें लगभग 40% तक अनुदान होता था, लेकिन प्रदेश सरकार ने जो बेरोजगार युवा हैं प्रदेश के उनको उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए 80% सब्सिडी का जो प्रावधान जो है स्कीम में किया गया, और स्कीम का नाम है मुख्यमंत्री मधु विकास योजना। तो इस स्कीम के आने के बाद जो है कई युवा जो है इसमें जुड़ रहे हैं और मधुमक्खी पालन को अपना व्यवसाय के रूप में अपना रहे हैं। तो इस स्कीम में जो है जिला ऊना में अभी तक लगभग 35 के करीब जो युवक हैं इसमें जुड़ चुके हैं और लगभग 135 क्विंटल के करीब जो जिला में शहद का उत्पादन किया जा रहा है। तो इसमें जो मेन कंपोनेंट है हमारा, जो जैसे कि आपको पता ही है कि जो शहद का उत्पादन होता है मक्खी द्वारा होता है, उसको हम बक्सों में उसको मधुमक्खी को पालते हैं। तो अगर कोई किसान भाई, कोई बेरोजगार युवक जो हिमाचल का रहने वाला हो, अगर वो ये काम शुरू करना चाहे तो उसको एक बक्से के ऊपर जो है लगभग 3200 रुपये की सब्सिडी मिलती है। अगर 4000 रुपये का खर्चा आता है तो 3200 रुपये की सब्सिडी मिलती है और अधिकतम 50 बक्सों तक वो अनुदान जो है वो ले सकता है। तो अगर 2 लाख रुपये खर्च करके 50 बक्से से कोई काम शुरू करना चाहता है तो 1,60,000 रुपये प्रदेश सरकार द्वारा जो वो उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसके अलावा जैसे जैसे कि जो जितने भी मौन पालक हैं ये शहद उत्पादन के लिए ये प्रदेश से बाहर जो इनको जाना पड़ता है, क्योंकि जहाँ पे फूल अधिक फूल होगा वहीं पे ही मधुमक्खियों को रखना लाभदायक होता है और तभी हमारी जो उत्पादन जो है अच्छा होता है। तो लोग, ये जो युवक हैं, ये जाते हैं पंजाब, जाते हैं हरियाणा, जाते हैं या राजस्थान जाते हैं। तो इनको प्रदेश सरकार ने इनकी इन्हीं समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ट्रांसपोर्ट सब्सिडी का भी प्रोविज़न किया हुआ है, जो 10,000 रुपया प्रति एक चक्कर का जब भी जाते हैं आने जाने के लिए 10,000 रुपये की जो सब्सिडी जो है वो प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। इसके अलावा जो ये व्यवसाय शुरू करने के लिए कोई भी युवक जो है, जो भी इसमें इंटरेस्ट रखता है, वो विभाग से संपर्क करें और हम जो है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है ट्रेनिंग दिलवाते हैं, चाहे वो पालमपुर यूनिवर्सिटी में करवाएं या जहाँ भी जो भी अच्छी संस्था होती है वहाँ पे हम इसकी ट्रेनिंग करवाते हैं और लोगों को इसमें अपने साथ जोड़ते हैं। ये जो ट्रेनिंग है ये 5 दिन की ट्रेनिंग युवाओं को करवाई जाती है। जो भी ट्रेनिंग लेना चाहे इच्छुक, जो भी युवक किसान भाई बहन जो भी इसमें काम करना चाहता है, वो जो निकट जो अपने जो ब्लॉक के जो बागवानी विकास अधिकारी होते हैं वहाँ पे अपना आवेदन दे सकता है और जैसे ही सरकार से बजट आता है तो हम जो उसमें ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जो ट्रेनिंग सरकार द्वारा दिलाई जाती है 5 दिन की, इसमें जो किसान को किसी भी तरह का कोई खर्चा नहीं देना पड़ता है। जो भी गाड़ी हम बस यहाँ से करते हैं, बस में ले जाते हैं, वहाँ ठहरने का, खाने का, ट्रेनिंग का सब कुछ जो है सरकार द्वारा वो फ्री किया जा रहा है। वो टोटली 100% जो है इसमें ट्रेनिंग फ्री ऑफ कॉस्ट जो है किसानों को दी जा रही है।